नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं आज का अपना हमारा एक्सपायरी एनालिसिस देखता हूं तो आज के लिए हमने बात किया था कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आज की एक्सपायरी साइडवेज मार्केट दे सकता है, क्योंकि कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव मार्केट दे चुका था। तो इस वजह से हमें ट्रेंडिंग एक्सपायरी होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफ़ी कम थी और साइडवेज एक्सपायरी होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मार्केट जहां पर ओपन हुआ अब ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, और वहीं आसपास मार्केट बंद हुआ जहां पर मार्केट ओपन हुआ था। यहीं मार्केट ओपन हुआ और यहीं के आसपास मार्केट ने निफ्टी में क्लोज दे दिया। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो यहां पर भी मार्केट ऑलमोस्ट कह लीजिए कि सॉर्ट ऑफ साइडवेज एक्सपायरी हुई यहां पर, कि मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया और वहीं कहीं पे उसी के आसपास मार्केट ने एक्सपायरी दे दी जहां पर मार्केट उसी जहां जिस लेवल्स के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब फ्राइडे के दिन हम किस तरह का मूव मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो फिर से मैं निफ्टी के चार्ट में यहां पर आ गया हूं। तो अभी के लिए थोड़ा सा ये कह लीजिए कि यहां पर एक आप इस तरह का ट्रेंड लाइन मार्केट में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ निचले स्तर पर जा रहा है, बट मेरे लिए अभी भी मार्केट नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था या परसों के वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई है, मार्केट जब तक कि मेरे लिए स्ट्रांगली नेगेटिव नहीं होगा, निफ्टी मेरे लिए स्ट्रांगली नेगेटिव नहीं होगा, काफ़ी दूर लेवल है, बट हाँ 16,300 के अराउंड या 16,300 से 400 का जो लेवल है यहाँ तक जब तक मार्केट नहीं पहुँचता है तो किसी भी तरह का आप डाउन मूव के एक्सपेक्टेशन आप मार्केट से बड़े डाउन मूव की एक्सपेक्टेशन मार्केट से छोड़ दीजिए। क्योंकि ये मैंने आपको उस दिन भी ये चीज़ बोली थी कि मार्केट जब नीचे जा रहा था, जब ये एक पर्टिकुलर लेवल है 16,400 यहाँ के आसपास जब मार्केट ट्रेंडिंग अपसाइड ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी समय व्यतीत किया, उसके बाद ये जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद नीचे मार्केट जब आने भी लगा तो बायर्स ने इसके नीचे भी मार्केट को नहीं आने दिया, इतना स्ट्रांग बायर्स यहाँ पर हैं। तो इसलिए आपको किसी तरह का अभी बेरिशनेस मार्केट में नहीं सोचना है। अगर आपने बाय करना है मार्केट में तो ये आप यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाइए, ये इस तरह से मार्केट में आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, और ये ट्रेंड लाइन जब भी अपसाइड पर क्रॉस होती है तो यहाँ पर आप छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे क्वांटिटी में कब बाय करना है? जब 16,700 के ऊपर, 16,700 के ऊपर मार्केट क्लोज देता है डेली बेसिस पे, तब आप एक अच्छा बाइंग करके जा सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में भी मेरे लिए ये कह लीजिए कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है तो एक आप क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं अराउंड 35,000। ये जो हाई बनाया है मार्केट ने, ये वाला जो हाई बनाया है स्विंग हाई के अपसाइड 35,800 के ऊपर, आप छोटी क्वांटिटी में बाई करिएगा प्लीज़। अच्छे क्वांटिटी में एग्रेसिव बाइंग आप कब कर सकते हैं? जब मार्केट 36,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब आप एक अच्छी क्वांटिटी में बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 35,900 के लेवल्स पर इसने रिजेक्शन लिया है, 35,800 के लेवल पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो अगर ये क्रॉस करता है तो आप छोटी क्वांटिटी में बाय कर लीजिए ताकि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो अगर एक ट्रेंड आता है तो, या फिर आप एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं जब 36,000 के ऊपर मार्केट जाने लगता है। ठीक है, ऊपर मार्केट क्लोज दे देता है तो। ठीक है जी, तो ये तो रहा चार्ट का एनालिसिस। अभी देखते हैं हम लोग कि ओआई डेटा किस तरह का बता रहा है। तो अगर ऑप्शन चेन अभी मैं देखता हूं तो क्योंकि आज तो एक्सपायरी हुई है तो इतना ज्यादा मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं डेटा पे, जो ऑप्शन चेन डेटा उतना ट्रस्ट वर्दी नहीं है क्योंकि आज ही मंथली एक्सपायरी हुई है, जब तक कि अगले वीक के लिए एक्सपायरी डेटा अच्छा सा बिल्डअप होता है, कल के लिए जो कल का जो डेटा होगा वो हमारे लिए थोड़ा सा एक अच्छा डायरेक्शन हमको दे सकता है। ठीक है, तो फिर भी अगर हम आज डेटा देखना चाहें अगर तो निफ्टी के लिए अगर मैं जाता हूं, निफ्टी 2 सितंबर का अगर मैं डेटा देखता हूं तो यहां पर मुझे सीधा सीधा जो 16,600 लेवल्स है वहां पर एक अच्छा पुट का ओआई दिखाई दे रहा है, और 700 पर ठीक ठीक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है बिकॉज कॉल का ओआई दिखाई दे रहा है, जो कि हमने चार्ट पर भी देखा कि 16,700 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है,
वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो काफ़ी ऑब्वियस ओआई यहां पर भी है कि 35,500 पर सपोर्ट है और बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 36,000 पर दिखाई दे रहा है। ये हमने चार्ट पर भी डिस्कस किया था और कल का जो ओआई मार्केट में थोड़ा डेवलप हो जाएगा तो हमें एक अच्छा डिसीजन ओआई के ऊपर बनाने में मदद होगी। एफआईए एक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो ग्रीन बार है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जो रेड बार है अब धीरे धीरे नीचे साइड पर घटती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आज पुट जो है रेड बार काफ़ी घटती हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो पुट्स हैं वो बेचे गए हैं आज और जो कॉल्स हैं वो खरीदे गए हैं, बाय करे गए हैं, तो दोनों साइड से मार्केट यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात करता हूँ तो इतनी कुछ खास बड़ी एक्टिविटी नहीं है, 200 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग है, बट हाँ स्टॉक में अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग दिखाई दे रही है, अराउंड 2000 करोड़ की यहाँ पर मुझे स्टॉक्स में सेलिंग दिखाई दे रही है एफआईआईज की तरफ से और डीआईआईज की तरफ से एक बाइंग दिखाई दी है 1000 करोड़ की यहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए अभी आज चूंकि उनके लिए भी मंथली एक्सपायरी थी तो कल का जो डेटा होगा ना, कल का हमें एक अच्छा डेटा मिल सकता है, कल जो फ्रेश डेटा रहेगा वो एक हमें अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन दे सकता है ओआई का जो ऑप्शन कह लीजिए या फ्यूचर ओआई कह लीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो अगर ऑल इन ऑल अभी मैं बात करूँ तो अभी तो मेरे लिए दोनों ही ठीक ठीक बुलिश दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर मार्केट अपसाइड एक बुलिश ट्रेंड दे सकता है। पीसीआर दोनों का 0.9-0.8 के आसपास है, थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है, बट कल का ओआई एक अच्छा डिसाइसिव ओआई हो सकता है हमारे लिए। कल का जो ओआई अगर बढ़ता है मार्केट में, कल जो ओआई मार्केट में गिरेगा, जो लोग खरीद बेच करेंगे उससे जो हमें ओआई मिलेगा उससे पीसीआर भी एक अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन दे सकता है। अभी ये भी कुछ डिसाइसिव पीसीआर नहीं है क्योंकि आज कोई खास ओआई तो है नहीं। तो चार्ट्स के बेसिस पे और एफआईए एक्टिविटी के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अगर मैं इसको समअप करूं तो मेरे लिए मार्केट अभी बुलिश है और किसी भी तरह का मैं एग्रेसिव बाइंग अगर करना चाहूंगा मार्केट में तो 16,700 और 35,000 की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में और 16,700 के ऊपर निफ्टी में बाइंग करूंगा। तो ये तो था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं अभी यूएसडी आईएनआर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं यूएसडी आईएनआर अभी के लिए देखता हूं यहां पर तो खासा कुछ मूवमेंट तो हुआ नहीं है। जहां पर मार्केट कह लीजिए कि एक साइडवेज मार्केट मुझे दिखाई दिया आज यहां पर भी, जो पिछले दिन जो कैंडल बनी थी उसी के इनसाइड एक कैंडल यहां पर दिखाई दे रही है, तो यहां पर भी आप इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं कि बॉस ये अगर कैंडल किसी भी साइड पर क्रॉस करती है या तो अपसाइड या डाउनसाइड कहीं भी क्रॉस करती है तो उस साइड पर एक आप यूएसडी आईएनआर में ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं निफ्टी का 22 लेके कहूँ तो मुझे चांसेस ज़्यादा लगते हैं डाउन साइड पर क्रॉस होने के। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस। आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा, कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, लाइक्स के थ्रू बता सकते हैं और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए क्योंकि ये आपका कैपिटल है, आपको उसका ध्यान रखना है। और इसी के साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए। हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।